तूने कल रात दहली इस बार नहीं की, सिर्फ इसीलिए आज असलम को जिंदगी और मौत की कश्मकश में देखकर तू खुद को इल्जाम दे रही है। और कल अगर दहली इस बार कर ली होती ना, तो आज अपने बाप की मौत पर अपना अल्लाह ना करे। उठो रक्षे, तैयार होने जाना है। रक्षे, 3 से 4 घंटे लगेंगे तैयार होने में, उठ जाओ। मनोजा बता रही थी उसकी हालत ठीक नहीं है, वो बच तो जाएगा ना। दुआ कर वो बच जाए। निकाह का जूड़ा किसी और के नाम का पहनो और जिंदगी की दुआएं किसी और के लिए मांगो। कब तक जीऊंगी मैं ये दोहरी जिंदगी? जिसके निकाह में जा रही है ना, सिर्फ उसी के लिए असलम की जिंदगी की दुआ मांग। दुआ मांग के असलम बच जाए। अगर असलम में कुछ हो गया तो सिकंदर ही इस गिरफ्त में आएगा। अब तेरी हर दुआ सिर्फ सिकंदर के लिए। नहीं, सिकंदर की, असलम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तो मैं हूं ना। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। आज वो जिस हाल तक पहुंच जाए उसको मैंने पहुंचा है, किसी और ने नहीं। उस्तावे तो किसी भी सूरत में कम नहीं होने थे रक्षी। तूने कल रात दहली इस पार नहीं की, सिर्फ इसीलिए आज असलम को जिंदगी और मौत की कश्मकश में देखकर तू खुद को इल्जाम दे रही है। और कल अगर दहली इस पार कर ली होती ना, तो आज अपने बाप की मौत पर अपना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरी जान। लेकिन किसी एक के खून का इल्जाम तो लेना पड़ता है ना सर पर, किसी एक को जान से जाना पड़ता है रक्षी। ये काम कर, तू भूल जा सब। हाँ, अब तो वैसे भी तुझे सारी उम्र अदाकारी करनी है। आज दुल्हन बनकर थोड़ी देर के लिए रिहर्सल कर ले। हाँ? आजा चल, ये जोड़ा पहन ले। सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।